हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज फिर मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर आपका स्वागत है। तो जी हाँ, हम बात करेंगे आज इंडियन ओवरसीज बैंक की। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस निकली है, अप्रेंटिसशिप। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन तक आप पहुँचा दीजिएगा, या फिर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की, लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बात कर लेते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का है, IOB। रिक्रूटमेंट है 2024 की। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन इसके शुरू हो चुके हैं कल से, यानी 28 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई का है 10 सितंबर, यानी अभी आपके पास 10 दिन या 12 दिन अभी और हैं, आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है 15 सितंबर 2024, और एग्जाम जो रहेगा आपका 22 सितंबर को होने वाला है। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल रहेंगे बिफोर एग्जाम, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। शुरुआत इसकी 28 अगस्त यानी कल से हो चुकी है, लास्ट डेट इसकी 10 सितंबर है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 944 रुपीज़ है, SC ST के लिए 708 रुपीज़ है, PH कैंडिडेट के लिए 472 है, और फ़ी इंक्लूड 18% GST भाई ये ले रहे हैं, ठीक है। जो भी फीस है उसका 18% निकाल लीजिएगा कितना बैठता है, ठीक है। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दी है, बट इनका अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो टोटल वैकेंसी डिटेल ये हैं, 550 पोस्ट हैं आपकी ओवरसीज बैंक में। तो अप्रेंटिस पोस्ट का नेम है, टोटल पोस्ट यहाँ 550 है। तो बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए एनी स्ट्रीम इन एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, इग्नू से है, बी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जो भी है, ठीक है। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 284 पोस्ट है, OBC के लिए 118 पोस्ट है, EWS के लिए 44 पोस्ट है, SC कैंडिडेट के लिए 78 पोस्ट है, ST के लिए 26 है। तो टोटल मिला के यहाँ बनती है वैकेंसी 550 वैकेंसी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। स्टेट वाइज अगर हम देखें वैकेंसी की डिटेल, तो उत्तर प्रदेश में 41 है, बिहार में 11 है, झारखंड में 7 है, MP में 12 है, दिल्ली में 36 है, छत्तीसगढ़ में 7 है, राजस्थान में 13 है, हिमाचल में 3 है, हरियाणा में 11 है, पंजाब में 16 है, उत्तराखंड में। ये आप डिटेल वाइज देख सकते हैं, हर स्टेट में निकल के आपकी बनती है जितनी भी वैकेंसी यहाँ टोटल है, ठीक है। फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो अप्लाई कैसे करेंगे आप। ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन है, देखिए नोटिफिकेशन इनका है, ये PDF इनका। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया है, अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स है, और 10 ईयर्स का डिसेबिलिटी के लिए है, ठीक है। तो ये आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, देखिए अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की, कि स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड करेंगे। ब्रांच कैटेगरी मेट्रो में आपका 15,000 स्टाइपेंड पर मंथ आपको देंगे, अर्बन में 12,000 है, सेमी अर्बन रूरल में 10,000 है। ब्रांच कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो ये इसका टोटल टोटल बनता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें है, सिलेक्शन विल बी मेड द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड टेस्ट लोकल लैंग्वेज वेयर वरेवर एप्लीकेबल एंड पर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये बैंक आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें होगा। तो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, नेम ऑफ टेस्ट होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉलेज। आपका 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 90 मिनट्स का ये पेपर होगा, ठीक है।